नमस्कार, शाम के साथ बदने वाले हैं वक्त। फास्ट एंड फैक्ट्स का हो चला है, आपको हम सारी बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अदिति अवस्थी है और मैं रूपा कालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिक मानवता की मिसाल हैं। पीएम ने कश्मीर और केदारनाथ की बाढ़ का जिक्र किया। कहा, कश्मीर में पत्थरबाजी के बावजूद हमारे जवानों ने बाढ़ में कश्मीरियों की मदद की। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। मेरी सेना के भीतर पड़ी हुई उस मानवता देखिए कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो वो लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी हमारी आंखें फोड़ देते हैं। हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को भी, पाकिस्तान के नागरिकों को भी बचा करके ले आए। शौर्य स्मारक बनाने में 41 करोड़ का खर्च आया है। शौर्य स्मारक 12.67 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। शौर्य स्मारक को बनाने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। शौर्य स्तंभ के पीछे शहीदों के नामों को उकेरा गया है। कल से गोवा में शुरू होने वाले ब्रिक्स बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एनएसए अजीत डोवल खुद सुरक्षा तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली में तिब्बती लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। ब्रिक्स का लोगो कमल का फूल रखे जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक को लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहना चाहिए। जो बैंकरप्सी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, विशेष रूप से कांग्रेस और आपकी, वो सामने आ जाती है। लंबी रेंज की क्षमता रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भारत और रूस के बीच करार हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 10 अरब से 30 अरब डॉलर बढ़ाने की योजना। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने पर बातचीत। हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर भी समझौते की उम्मीद। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट संभव। ब्रिक्स देशों का ये 8वां शिखर सम्मेलन है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर मामले पर पाकिस्तान से बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हालात बिगड़ने की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और युवाओं का नुकसान हो रहा है। Whether surgical strike or that, I have nothing to say about that. हम अपील करते हैं दोनों बड़े मुल्कों से, साहब वॉर किसी चीज का सलूशन नहीं है। अगर सलूशन है तो वो डायलॉग है। We are not here to speak about, हमने कभी नहीं कहा उनकी कुर्बानी हम भूल रहे हैं, हमने उसके बारे में बात नहीं की। हम वही चाहते, हम चाहते हैं यहाँ अमन आए, कि हम लोग आसानी से चल सके। कांग्रेस ने कहा उसे शांति के लिए बातचीत की उम्मीद है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। कश्मीर में 10 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का उदाहरण देकर ये भी कहा कि उन्होंने भी यही कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। सुलह के बाद भी मतभेद की खबरों के बीच पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा, पार्टी का सीएम उम्मीदवार तय नहीं हुआ है और सीएम कैंडिडेट का फैसला चुनाव के बाद विधायक ही करेंगे।
ये हमारी पार्टी के बारे में वोट का काम है, हमारा काम है, और न ये बताया जाता न पूछा जाता है। लांच करके तो हमने देख लिया है कि पार्टी तभी बनी है जो अकेला चल, जो अपने घर के ही कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभाल नहीं सकते, वो उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को क्या संभाल। लाशों के ढेर में बैठकर भाजपा और समाजवादी पार्टी पर्दे के पीछे मिलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराकर अपनी राजनीति करती आ रही है। मुलायम परिवार में टकराव 12 सितंबर को गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद खुलकर सामने आ गया था। दो मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटाया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को कमान सौंपी। सुलह के बाद शिवपाल यादव के ज्यादातर मंत्रालय लौटा दिए गए थे। अखिलेश के विरोध के बाद कौमी एकता दल और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में उन्होंने अपना नाम खुद रखा था और अब ऐसा लगता है कि प्रचार भी अकेले ही करना पड़ेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ की। दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया ने कहा, हमें परेशान किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए किए उतने काम पिछले 20 साल की सरकारों ने भी दिल्ली के लिए नहीं किए। The ordinary youth, they are being deprived, and Aam Aadmi Party's own workers, own volunteers, own people, you know, they are getting jobs. तो ऐसा कोई भी कागज नहीं है जो कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को responsible ठहरा सकता है दिल्ली महिला आयोग के appointments में। दिल्ली महिला आयोग में स्वाति मालीवाल ने पूरे commission के साथ मिलकर appointments करे हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने DCW में की गई 85 नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से भी ACB पूछताछ कर चुकी है। भर्ती घोटाले की FIR में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि शीला दीक्षित के खिलाफ जो 128 पन्नों के दस्तावेज ACB को सौंपे गए थे, उस पर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र की पिटाई करने वाले दो आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला मुजफ्फरपुर के केंद्रीय विद्यालय में 25 अगस्त का है। दो लड़कों ने मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीटा था। आरोपी छात्रों को स्कूल से 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। JDU ने कहा, जिला पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आगे का काम केंद्रीय विद्यालय प्रशासन का है। जिला वहाँ का जो केंद्रीय विद्यालय का संगठन का जो प्रशासन रहा वो चुपचाप रहा, प्रचार चुपचाप रहे, शिक्षक चुपचाप रहे, वहाँ का जो कर्मचारी थे वो चुपचाप रहे, ये किस बात का दर्शाता है केंद्रीय विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। आरोपी छात्रों ने खुद पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित छात्र ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की थी, जिसका बदला लेने के लिए छात्र की पिटाई की गई। दोनों आरोपी सगे भाई हैं, एक 12वीं और दूसरा स्कूल की 11वीं क्लास में पढ़ता है। आरोपी छात्रों का पिता शशि भूषण कुख्यात अपराधी है, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज हैं। 2013 से मुजफ्फरपुर जेल में बंद है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। बिहार सरकार इसी वजह से मामले से पल्ला झाड़ रही है। भोपाल में शहीद के घर से मेडल चोरी होने के मामले में आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद की मां का आरोप है कि पुलिस ने मेडल ढूंढ कर लाने के लिए रिश्वत मांगी थी। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले के दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। नहीं, उस समय तो नहीं मांगे थे मुझसे पैसे वगैरह। उस समय तो उन्होंने कहा कि हम खोजबीन कर रहे हैं और खोज करके फिर आपको बताएंगे। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में बातचीत करेंगे और ये कोशिश होगी कि सेना में भी इस तरह का प्रोविजन हो जाए कि अगर किसी के गुम जाते हैं तो डुप्लीकेट मेडल की व्यवस्था होना चाहिए, कभी भी गुम सकते हैं। शहीद देवाशीष शर्मा पंजाब रेजिमेंट में कर्नल थे। 10 दिसंबर 1994 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देवाशीष शहीद हो गए थे।
शहीद देवाशीष को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार मिला था। 21 अक्टूबर 2014 को भोपाल के शाहपुर इलाके में घर से मेडल चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत शाहपुर के थाने में दर्ज कराई गई थी। शहीद की मां निर्मला शर्मा का आरोप है कि रिश्वत नहीं देने की वजह से पुलिस ने मामला 2 साल से लटकाया हुआ है। कर्नल का परिवार वालों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जल्द मेडल ढूंढ कर लाने की गुहार लगाई है। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज 15 और 16 अक्टूबर को हिसार में होने वाले अग्रोहा धाम मेले पर जानकारी दी। शरद पूर्णिमा के मौके पर हरियाणा के हिसार में वैश्य समाज का अब तक का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि ओबीसी में शामिल 100 उपजातियों को फिर से वैश्य समाज में शामिल किया जाएगा। इस वर्ष बहुत से ऐसे पिछड़े हुए वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, जो पहले से वैश्य समाज के ही थे, वैश्य वर्ण के ही थे, लेकिन उनको हिचकिचाहट थी कि वो वैश्य लगा सकेंगे, अपने आप को कह सकेंगे कि नहीं, तो वो इस बार का ऐसा आयोजन किया गया है ताकि वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ, अपने नाम के साथ वो भी लगा सकेंगे, वैश्य भी, और अगर यज्ञोपवीत धारण करना चाहेंगे वो भी कर सकें। मेले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मेले में वैश्य समाज के 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वैश्य समाज से जुड़े 33 सांसद और करीब 110 विधायक भी इस मेले में हिस्सा लेंगे। अग्रोहा धाम में ये 35वां वार्षिक मेला है। मध्य प्रदेश की खबर है, जहां रतलाम में आज एक यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी, हादसे में 14 लोगों की मौत। बस में करीब 60 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। नामली इलाके में बस अचानक पलट गई और खाई में जा गिरी। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अचानक बस अनबैलेंस हुई थी। हाँ। चलने के पहले, गिरने के पहले? हाँ, गिरने के पहले अनबैलेंस हुई, उसका 2-3 बल्टी मार के गिरी। कितना लोग थे बस में? 45 बैठा था, जाने पर 30 से 35 लोग होंगे। हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए थे। 2015 में भारत में 1,46,133 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। 2015 में औसतन 400 लोगों की मौत हर दिन सड़क हादसों में हुई। 2015 में सड़क हादसों पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 230 सेकंड में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत में सड़क हादसों में हर घंटे 16 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में घायल हुए कई यात्रियों को स्थानीय प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया है।